आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर इन दिनों होटल में चल रहा है अवैध धंधा। चार लड़के और चार लड़कियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। होटल मैनेजर और तीन कर्मचारियों को भी इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। वहीं होटल का मालिक मौके से फरार बताया जा रहा है। क्षेत्रीय पुलिस के साथ एसपी सत्यनारायण भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर थाना जगदीशपुरा स्थित तो होटल भूमि पर छापा पड़ा है पुलिस का। आगरा से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध तरीके से होटल संचालित हो रहा था, जहां पर अवैध धंधा किया जा रहा था, वही होटल से चार लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच अयोध्या से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल पहुंचे अयोध्या। अयोध्या के दशरथपुर गांव पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। वहीं भूपेश बघेल की जनसभा में जन सैलाब देखने को मिला है। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का अयोध्या दौरा देखने को मिला, जहां पर उन्होंने दशरथपुर गांव पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। और इसी बीच अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां टप्पेबाजों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में रखे 22 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। एटीएम फ्रेंचाइजी धारक की गाड़ी से पैसों का बैग गायब किया गया है। एएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां अम्बेडकर नगर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर टप्पेबाजों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में रखे 22,50,000 रुपए की लूट की गई है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के मुद्दे पर प्रियंका गांधी भी हुई हैं सक्रिय। प्रियंका और राहुल गांधी ने हरीश रावत से फोन पर की है बात। कांग्रेस आलाकमान हरीश रावत की नाराजगी पर उनसे बात करने वाला है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने हरीश रावत से मामले पर संपर्क किया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर चुके हैं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता फिलहाल दिल्ली बुलाए गए हैं। कल सुबह 10 बजे AICC में बैठक पूरी आयोजित की जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस के मुद्दे पर प्रियंका गांधी अब सक्रिय होती दिखाई दे रही है, जहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हरीश रावत से फोन पर बातचीत की है। और इसी बीच चंदौली से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 लाख कीमत की विदेशी शराब को भी मौके से बरामद किया है। फिलहाल एक गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने तस्कर को कार्रवाई के तहत फिलहाल जेल भेज दिया है। मुगलसराय पुलिस को जीडी रोड पर डाडी एरिया का ये पूरा मामला वहां पर सामने आया, जहां पर इस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। चंदौली में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच फरीदाबाद से आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग ने मारा है छापा। बल्लभगढ़ से नकली नमक को फिलहाल बरामद किया गया है। बल्लभगढ़ में नकली नमक की सप्लाई धड़ल्ले से की जा रही थी, जिसके बाद अभी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टाटा नमक का लेवल लगाकर दुकानों पर बेचा जा रहा था नकली नमक। 3 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। आदर्श नगर थाने का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी मात्रा में ये सामान बरामद किया गया है। नमक का यहाँ पे जो तस्करी की जा रही थी, नकली नमक बल्लभगढ़ से बरामद किया है। भारी संख्या में नमक को बरामद किया गया है, जहां टाटा नमक का लेवल लगाकर नकली नमक सप्लाई किया जा रहा था। और इसी बीच लखनऊ से आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां लेखपालों की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
लेखपाल पदाधिकारियों को इसमें सम्मानित किया गया है। पदाधिकारियों का माल्यार्पण करके उनको सम्मानित किया गया। सरोजनी नगर तहसील का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लेखपालों की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन लखनऊ में किया गया है। आपको बता दें कि लेखपाल पदाधिकारियों को इस पूरे कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। और इसी बीच रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां परिवहन निगम की बस ने कार सहित कई बाइकों को रौंदा। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर किसी प्रकार बचाई है अपनी जान। नगर निगम की लालगंज डिपो जा रही थी कानपुर की बस। बताया जा रहा है कि बस बैक करते समय उसका ब्रेक फेल हो गया था, जिसके बाद यह हादसा देखने को मिला है। फिलहाल हादसे में किसी की जनहानि की खबर नहीं मिली है। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप का यह पूरा मामला आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर रोडवेज बस के द्वारा हादसा देखने को मिला। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।